हमारी लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते हैं, अपना जीवन जीते चले जाते हैं। और अगर हम ध्यान दें इस बात पर तो बहुत कुछ सुधार हमारे जीवन में हो जाएगा। तो एक तो जो होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं हमारे जीवन में, और एक वो होते हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल बहुत अच्छा बना देते हैं। तो हमको कैसे लोगों का चुनाव अपने जीवन में करना चाहिए, हम इसी पर चर्चा करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हमारी लाइफ में जो दो तरह के लोग होते हैं, उनमें से एक ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद हमको बहुत अच्छा फील होता है, हमको बहुत लाइट फील होता है, हम अपनी सारी बातें, हमारे साथ जो भी समस्याएं हैं वो हम उनको कह पाते हैं, और वो हमको बहुत अच्छी सलाह देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, और उनसे बात करने के बाद हमको एक सुकून सा महसूस होता है, हमको लगता है कि हम कितने अच्छे लोगों के साथ हैं। और घंटों बात हो जाती है, समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करते समय भी अच्छा लगता है, और जब बात हो जाती है तब भी हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और इनसे बात करने के बाद हमारा पूरा दिन बन जाता है, हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कभी भी याद कर सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होती कि हम उनसे पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे इस वक्त, हम हर वक्त उनको याद कर सकते हैं, हर वक्त बातें कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपको लगेगा कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, और उनके जीवन में जितनी भी गड़बड़ी है वो सब आपकी वजह से है, और वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपसे बुरा कोई है ही नहीं, आपने अपने जीवन में केवल गलतियां की हैं, कुछ अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी अच्छा किया है वो उन्होंने किया है, जो कुछ भी अचीव किया है वो उन्होंने किया है, आपने केवल गलत किया है। आपको इतना तनाव से भर देंगे, आपको इतनी ज्यादा परेशानी महसूस होगी उनसे 5 मिनट बात करके कि आपको लगेगा कि बिल्कुल, मतलब ये थोड़ी देर के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए आपको लगेगा कि कहाँ से इनसे बात कर ली हमने, बिल्कुल टॉक्सिक लोग होते। मुझे तो लगता है कि सभी की लाइफ में ये दो तरह के लोग होते हैं। तो जो आपको अच्छा फील कराते हैं आप उनके साथ रहिए, और जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहिए। दूर रहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमको रिश्ता ख़त्म कर देना है या वो आए तो दरवाज़ा बंद कर लें, ऐसा नहीं, लेकिन मतलब नहीं रखना है। जब तक कोई विशेष ऐसा ओकेजन नहीं है कि आपको उनसे मिलना पड़े, आमना सामना हो, अपनी तरफ से कोई कोशिश मत करिए उनसे मिलने की, बात करने की। उनको अगर कभी बात करना है तो बातों को बहुत जल्दी खत्म कर दीजिए ताकि आपका मूड खराब ना हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में महत्व मत दीजिए, क्योंकि होता ही है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे ना तो हम रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उनके साथ रहना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ना ही उनके साथ हम अच्छा फील कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से केवल दूरी बना लीजिए, ना तो रिश्ता ख़त्म करिए, ना तो रिश्ता, मतलब है तो है, वो तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन रिश्ता जो है उसे दूर से निभाइए। उन्हें अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल बंद करिए, चाहे कितना भी खास रिश्ता क्यों ना हो। कभी कभी होता क्या है कि हमारे खास रिश्ते होते हैं जिनसे कि दूरी बनाने में हमको दिक्कत होती है, लेकिन आज नहीं तो कल हमको बनानी पड़ेगी। हम इस दुनिया में अपने लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर हमने अपना जीवन खराब कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं, हम किसी दूसरे का भी भला नहीं कर पाएंगे। अगर हमने अपना अच्छा नहीं किया तो हम दूसरे के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम अपने तनाव में ही सारा हमारा जीवन गुजर जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, और जो अच्छे लोग हैं आपके जीवन में, चाहे वो दूर का ही रिश्ता क्यों ना हो, उन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल करिए और उनके साथ रहिए, और ज़्यादा वक्त अपना काम में समय दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो गई है। ये सब आपको पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा आप ज़रूर महसूस करेंगे।
आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।